हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका सोना फैमिली ब्लॉग में। देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी का ढोकला। खाने में बहुत ही टेस्टी मस्त। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने बढ़िया सॉफ्ट पीस बनकर तैयार हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया जाली बनकर आई है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं एक दो पीस और दिखाती हूँ काट के। देखिए कितना बढ़िया मस्त पीस बनकर तैयार हुआ है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का ढोकला। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 कटोरी सूजी ली है और 500 ग्राम बटर मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूजी को एक बाउल में मिक्स कर देंगे। इसमें हम बटर मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी ले सकते हैं। मेरे पास बटर मिल्क रखा था तो मैं बटर मिल्क ले रही हूँ। सूजी में हम बटर मिल्क मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से सूजी में बटर मिल्क मिक्स कर दूंगी। अब इसमें हम अच्छी तरह मिक्स हो गया है बटर मिल्क और सूजी हमारी। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। कलर के लिए इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और इसको मैं ढक कर रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद हम आपको आकर मिलते हैं। अब हम सूजी का बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा थिक हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा बटर मिल्क और ऐड करके इसकी थिकनेस चेक कर लेते हैं। अब हमारा बैटर सही है। पहले हमारा बैटर थोड़ा थिक लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा बटर मिल्क और डाला। अब इसकी थिकनेस देखिए बिल्कुल बराबर है। अब हम ढोकले के लिए प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है। दोनों प्लेट मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है और मैंने कढ़ाई भी गैस पर रख दी है। पानी भी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें एक इनो का सेशे डाल देंगे। अब इसमें मैं इनो डाल दूंगी और इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप पानी डाल देंगे। बैटर हमारा एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है फटाफट से। स्टीमर मैंने तैयार करके रखा है और इसमें आधा लेमन भी डाल दिया है। अब इसमें हम प्लेट डाल देंगे। अब इसमें सूजी का बैटर डाल देंगे हाफ एक पोर्शन में, हाफ दूसरे पोर्शन में मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं दूसरी प्लेट में भी पूरा बैटर अच्छी तरह से डाल दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे।
15 मिनट के लिए हम ढोकले को स्टीम कर लेंगे। अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। अब हम 15 मिनट हो गए हैं, अब हम ढोकला को चेक कर लेते हैं। देखिए मैं एक नाइफ डालकर चेक कर रही हूँ, ढोकला हमारा बन गया है, नाइफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए हमारी दोनों प्लेट बनकर तैयार हो गई है, अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। दूसरी प्लेट भी, इसमें भी हमारा नाइफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। फिर इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। अब हम तड़का लगाने के लिए हमने तड़का पैन में ऑयल डाला है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें राई डाल देंगे, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अब हम इन पे तड़का डाल देते हैं। दोनों पर थोड़ा थोड़ा तड़का डाल दूंगी, फिर अब हम इनके पीस कट कर लेंगे। पीस कट कर लेंगे, पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। इनको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपकी इच्छा हो उसके साथ आप खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार आप इस ढोकले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आती है मेरी ढोकला की रेसिपी तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।